हिंदुइज्म सम्राट की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है बेगूसराय में। हम बात कर रहे हैं गिरिराज सिंह की, वही गिरिराज सिंह जो कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों के अंतर से बेगूसराय में जीते थे और इस बार बेगूसराय में उनके मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी रणनीति बनाई है। वहां से वामपंथी दल के उम्मीदवार अवधेश राय को चुनाव मैदान में उतार दिया है और बिहार का लेनिनग्राद कहे जाने वाले बेगूसराय में इस बार वामपंथियों की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी है कि उन्हें केवल नाम के लिए ही बेगूसराय को लेनिनग्राद नहीं कहना है बल्कि काम के लिए भी, यानी कि सांसद भी जिताना है। तो ऐसे में बेगूसराय में कई दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए गिरिराज सिंह के पक्ष में आए, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हों, अमित शाह हों, राजनाथ सिंह हों, नितिन गडकरी हों, ऐसे कई दिग्गजों के नाम रहे जो कि गिरिराज सिंह के लिए जाके कैंपेन किए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गिरिराज के लिए बेगूसराय में वोट मांगते दिखे। तो इन तमाम चीजों के बीच इस बार बेगूसराय क्या फिर से गिरिराज के लिए बिल्कुल सरल और सुलभ है या फिर मतदाता कोई बड़ा खेला करेंगे? तो बिहार के लेनिनग्राद, बिहार के मिनी मॉस्को बेगूसराय में क्या होगा? हमारे साथी देवांशु की नजर है बेगूसराय पर। देवांशु, बेगूसराय में क्या होने जा रहा है? जैसा कि आपने बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया कि ये लोग आए बेगूसराय में गिरिराज सिंह के लिए प्रचार करने के लिए, यही दिखाने के लिए काफी है, यही बताने के लिए काफी है कि मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण गिरिराज सिंह है। सब लोग मतलब किया है कि भैया गिरिराज सिंह को जीतने ही चाहिए, ठीक है। और जो भी हो, गिरिराज सिंह देखिए, पहले सबसे पहले वहाँ पर हमने दो तीन दिन पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन एक बार फिर से जल्दी जल्दी में रिमाइंड करवा दें, 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें कि 4 जो इन विधानसभाओं क्षेत्र में 4 जो हैं विधायक जो हैं वो महागठबंधन फोल्ड से आते हैं और 3 NDA फोल्ड से आते हैं। स्क्रीन पर ग्राफिक्स हम चला रहे हैं, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 4 हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक एज जाता है महागठबंधन को। और दूसरी छोर पर देखें तो ये जो सीट है वो एक तरह से बीजेपी की वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सीट जो है वो बिहार में अगर है तो बेगूसराय है। पिछला चुनाव 2019 का 4,22,217 वोटों से गिरिराज सिंह जीते थे और न केवल बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाला जो लोकसभा क्षेत्र था उसमें बेगूसराय था। तब जब कन्हैया कुमार इस तरीके से आंधी तूफान की तरह जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, कई बाहरी लोगों को बुलाया प्रचार करवाने की, लगा कि नहीं कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, लेकिन जो सीन दिखा वो गिरिराज सिंह आंधी तूफान की तरह निकल गए। इस बार आप बेगूसराय में गिरिराज के मुकाबले अवधेश राय को कहां मानते हैं? देखिए, गिरिराज सिंह तो अपने स्टाइल से प्रचार जैसे पहले करते थे वैसा अब भी कर रहे हैं, जो पारंपरिक तरीका होता है, हल्का मॉडर्न तरीका होता है, सब कुछ इस्तेमाल मिश्रण करके कर रहे हैं। और जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, वो जो लेफ्ट पार्टी का अपना अंदाज होता है, डोर टू डोर कैंपेन, मैन टू मैन मार्किंग वाला प्रचार वो कर रहे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ वाला प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। वो उस तरीके से प्रचार नहीं कर रहे जिस तरीके से गिरिराज सिंह के लिए प्रचार हुआ। गिरिराज सिंह ने बड़े बड़े नेताओं को बुलाया, महागठबंधन के पास एक ही नेता है जो कि मतलब हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है, तेजस्वी यादव, वही प्रचार करते हैं, वही एक लोकसभा क्षेत्र में चाहे 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, आपके लिए बुलाना आपको उन्हीं को ही है, आप किसी और के भरोसे नहीं रह सकते कि हाँ भाई राहुल गांधी आएंगे तो कोई वोट टर्न अप हो जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे तो कोई वोट टर्न अप हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। अगर आपको बुलाना है, ज़्यादा अच्छा से प्रचार करना है, इंडिया गठबंधन के पास एक ही विकल्प है, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव प्रचार करने के लिए गए, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर मुझे आप कुछ भी कह लिए, गिरिराज सिंह जब शुरुआत कर रहे थे तो उनके प्रति जो है वो लोगों में कई जगह विरोध प्रदर्शन का भी सामना करना पड़ा, लेकिन गिरिराज सिंह फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ से बेगूसराय में एज है, इसलिए नहीं कि लोग गिरिराज सिंह को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए भी नहीं, इसलिए क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कई सीटों पर ऐसा है ना कि लोग तो एकदम मोदी के नाम पर ही वोट करेंगे, भले ही कुछ लोगों को ना पसंद हो। नहीं, एक और है देवांशु, जिसे बेगूसराय में अगर आप मतदाताओं के वर्गों को देखेंगे, जाति को देखेंगे, तो बेगूसराय जो है भूमिहार डोमिनेटेड एरिया माना जाता है, बड़े स्तर पर भूमिहारों की आबादी है वहाँ, और वर्ष 2014 के चुनाव में यहाँ से भोला सिंह ने चुनाव जीता था और उसके बाद 2019 के चुनाव में फिर से गिरिराज और कन्हैया में टक्कर हुई थी, तो भूमिहार मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने इन लोगों का समर्थन किया था। इस बार भी माना जा रहा है कि जो भूमिहारों का कोर वोट बैंक है और सबसे बड़ा वोट बैंक है वह वोट, और साथ ही साथ जो वहाँ पर कुर्मी कुशवाहा का जो वोट बैंक है और इन वोट बैंकों का जो साथ है, अगर वो पासवान जाति इसके अतिरिक्त है, तो ये कुछ ऐसा समीकरण है जो जमीन पर गिरिराज सिंह को मजबूत बनाता है, उसको भेद पाना मुश्किल होगा। भूमियारी 3.5 लाख है, तो हम मोटे तौर पर आंकड़ा बता रहे हैं, आंकड़ा है, ज्यादा भी हो सकते हैं, और
और देखिए, और अब कुर्मी 70,000 है, कुशवाहा 50 से 60,000 हो सकते हैं और पासवान 50-60 से 60,000 हो सकते हैं। इसी को मिला दिया जाए, कुर्मी, कुशवाहा, पासवान, तो वो मतलब कि आपको 1,60,000-70,000 पहुंच जाता है और यहाँ 3.5 लाख जो है वो भूमियारों की आबादी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग जोन में है। कुशवाहा वाला प्रयोग लालू जी ने किया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस सीट पर कुशवाहा इनके लिए साथ गिरिराज सिंह के साथ दिखेंगे। तो संभव है कि बेगूसराय में पिछले दिनों जो एक आम लोगों की जुबान पर ये बातें थी कि गिरिराज मजबूरी है और मोदी जरूरी है, तो वैसी स्थिति में अब यह देखना होगा कि 13 मई को जब मतदान होगा तो लोग ईवीएम में जाकर के किसका बटन दबाते हैं। हम आपको 4 जून को वो तमाम फैसले भी बताएंगे।